देखिए, इस मास्टर प्लान को बनाते वक्त कुछ बहुत छोटी छोटी बारीक सी बातें हैं जिनके ऊपर जो भी मास्टर प्लान बना रहे थे, जो प्लानिंग वाले थे, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं बताता हूँ इसमें। ये एक हमारे जोन पीटू के अंदर बकोली गांव है, जो कि बकोली गांव का ये लाल डोरा जो आप यहाँ पे देख रहे नहीं, पर हैं, पूरा बताइए वो कहाँ से शुरू कहाँ तक है, जैसे अभी आप बता रहे थोड़ी देर पहले। ये अपना मुकरबा चौक है। ये हाँ मुकरबा चौक से ये रोड स्टार्ट हुई, जीटी रोड, ये सीधी आ गई है। पुराने नीचे वाली पुरानी जीटी रोड है, ये ऊपर वाली नई जीटी रोड है, ये सीधी सिंघू बॉर्डर चली गई है। ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारा का सारा ग्रीन बेल्ट का एरिया और उसके बाद आर जोन का एरिया सारा ये यमुना रिवर बेल्ट तक आ गया, जहां पर बांध बना हुआ अपना। बांध से ये रोड हो घूमती हुई सीधी, ये 100 मीटर की रोड जाएगी, अपने वजीराबाद के पुल के पास निकलेगी। ये एक इसी तरह से रोड इन्होंने बोधपुर से मास्टर प्लान की रोड दे रखी है, बोधपुर गांव से, और ये सीधी हिरन की जहां पर अपना रेनिवल बना हुआ है वहां पे निकलेगी। जो पुस्ता आता है। पुस्ता आता है, पुस्ते पे टच कर जाएंगी। 3 अर्बन एक्सटेंशन रोड इसमें दी है, अर्बन एक्सटेंशन 1, 2 और 3। इन तीनों रोडों को अर्बन एक्सटेंशन 1 से ही जोड़ दिया गया। 1 तो है ही अपने आप में, 2 को और 3 को भी अर्बन एक्सटेंशन 1 से जोड़ दिया गया। ये कौन कौन सी अर्बन एक्सटेंशन वाली रोड, कौन कौन से, किस किस नाम से है? इनको अर्बन एक्सटेंशन रोड 1, 2 और 3 कहा जाता है। कितनी चौड़ी है इनकी, मतलब? ये अर्बन एक्सटेंशन रोड 1 जो है ये 80 मीटर की है। ये बांध पर जब आ जाएगी अपने पुस्ते के ऊपर आएगी, उसके बाद ये 100 मीटर की हो जाएगी, और 100 मीटर की घूमती हुई ये अपने बुराड़ी के बैक पीछे से होती हुई और अपना वजीरपुर वजीराबाद उस पर निकलेगी पुल के ऊपर। तो वजीराबाद पुल के ऊपर तो संगम विहार के पास कैसे 100 मीटर कैसे होगा रोड? हाँ, तो ये रोड सारा ये 5 या 10 मीटर से लेकर और ये अपना वजीराबाद के पुल के आसपास तक का सारा एरिया बड़ा कंजेस्टेड है दोनों तरफ। वही मैं बता रहा था कि इसमें बड़ी खामियां हैं जो उस वक्त इंजीनियरों ने ध्यान नहीं दिया कि यहां से 100 मीटर रोड नहीं निकल सकती। एक सबसे बड़ा इसका यह है कि इसकी इस तरफ भी कॉलोनियां बसी हुई हैं और इस तरफ भी कॉलोनियां बसी हुई हैं। दूसरा, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये बकोली गांव का लाल डोरा है, ये इन्होंने अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जो दिखा दी है, ये इस बकोली गांव के ऊपर से ही दिखा रखी है। यहाँ सारे फार्म हाउस, चलो नेशनल हाईवे अगर इसको बनाएगा तो जमीन एक बार हो जाएंगी, परंतु जो गांव बसा हुआ उसको उजाड़ना या उसके ऊपर से रोड बनाना ये बड़ा असंभव सा कार्य है, ये बहुत बड़ी कमी है। इसी तरह से अर्बन एक्सटेंशन रोड 3 की जो हम बात करें, तो ये यहां से लेकर यहां तक बनाना तो आसान है, परंतु इसकी आगे कनेक्टिविटी होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ बुड़पुर गांव है और इस तरफ अलीपुर का लाल डोरा है, और वहां पर कहीं भी जगह नहीं है, इसके बीच में से नाला गया हुआ है। तो जिस तरह से हमने द्वारका को जोड़ा है नाले के ऊपर से रोड बना के, ऐसा बनाना भी यह संभव नहीं है, क्योंकि उस नाले की चौड़ाई इतनी है नहीं कि वहां पर 100 मीटर की रोड 80 मीटर की रोड हो जाए, तो ये बड़ा असंभव सा कार्य है। इसी तरह से इन्होंने कुछ जगह जो गांव के आसपास जितने भी पुराने जोड़ हुए, पौंड हुए, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं रोड बना रखी है। ये जो अर्बन एक्सटेंशन रोड आप देख रहे हैं 1 की मैं बात करूंगा, अर्बन एक्सटेंशन रोड 1 यहां से होती हुई सीधी ये बख्तारपुर ताजपुर के पास से होती है, बख्तारपुर जब पहुंचती है तो पल्ला बख्तारपुर वाली रोड को जब क्रॉस करती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पौंड है, जौकरपुर माजरे का पानी और अपने बख्तारपुर गढ़ी गांव का पानी यहाँ इकट्ठा होता है। इसी के बराबर में यहाँ पे एनडीपी का ऑफिस है जहां से ये रोड निकली हुई है। इसमें बकायदा आप नजदीक से देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहीं पे एनडीपीएल ऑफिस है, और इसी से एनडीपीएल ऑफिस पे से और इसी जोड़ के ऊपर पौंड को इन्होंने रोड से कवर कर दिया है। ऐसी ही तरह से जोन P2 के अंदर भी, जोन एन के एल के अंदर भी इसी तरह की खामियां हैं। ये मैं आपको दूसरा नक्शा दिखाता हूँ जोन एल का। ये कौन सा जोन था? ये जोन P2 कहलाता है, जो अपना मुकरबा चौक से लेकर सिंगो बॉर्डर तक और यहां से लेकर यमुना रिवर बेड तक जो बांध आता है उसके बीच में सारा एरिया जोन P2 कहलाता है।